नमस्ते, मेरे सहजे सुस्वादु चैनल में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है पापड़ा मछली। बंगाल का एक ट्रेडिशनल एवं फेमस मछली है पापड़ा मछली, और इसमें सरसों पेस्ट के साथ बनाया जाता है। लेकिन वो सरसों का पेस्ट के साथ और कुछ दे के अलग तरीके से मैं बनाई हूँ। ये पूरा मेरा ओन रेसिपी है। 2 छोटा चम्मच भर के व्हाइट जो मस्टर्ड सीड है सरसों का बीज लिया, और 2 बड़ा चम्मच भर के खसखस के बीज लिया। इक्वल अमाउंट में सरसों के साथ खसखस के बीज लिया। 2 ठो हरा मिर्च जो लाल हो गया वही लिया। आप चाहे तो 2 ठो के जगह में और भी ज़्यादा ले सकते हैं। और तिल के बीज 1 छोटा चम्मच लेके हाफ कप पानी से इसको भिंगो के रखे 5 मिनट के लिए। तब तक हल्दी से 600 ग्राम पापड़ा मछली को मैरिनेट कर लेती हूँ। देखिए इधर नमक नहीं दिया, क्योंकि पापड़ा मछलियों में पहले से ही नमक मिलाया हुआ रहते हैं, इसलिए नहीं दिया। और 5 मिनट बाद उसको पेस्ट बना के लाई। अभी मछलियों को फ्राई कर लेंगे सरसों का तेल के साथ। 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल चाहिए। तेल एकदम गरम हो गया। अभी एक एक करके मछलियों को फ्राई कर लेंगे। एक साइड हो जाने से पलट देंगे। इधर मछलियों को ज्यादा फ्राई करना नहीं चाहिए, मीडियम फ्राई करना चाहिए। और 1 बड़ा चम्मच तेल देके 2 मीडियम साइज का टोमेटो पेस्ट करके दिया। टोमेटो थोड़ा ज्यादा ही दिया है। इसको अच्छे से चूल्हा को चढ़ा के और मीडियम फ्लेम में रख के तेल निकल आने तक इसको भूनेंगे। अभी पूरा टोमेटो फ्राई होके तेल निकल आया, और वो जो पेस्ट किए हुए सरसों खसखस के बीज ये सब तिल यानी सीजम सीड एक साथ जो पेस्ट किए थे वो देके अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी चूल्हा को धीमी करके फ्राई करना चाहिए। ये करते करते तेल निकल आया। तेल निकल आने तक अपेक्षा करेंगे। 1 छोटा चम्मच नमक दिया, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच आप समझ के दीजिए स्वाद अनुसार नमक, और 1.5 कप पानी से मिक्सर ग्राइंडर को धो के इससे इसमें दे दिया। ढक के उबल आने के लिए अपेक्षा। उबल आ गया। अभी वो फ्राई किए हुए मछलियों को डाल देंगे। शुगर यानी शक्कर 1/2 छोटा चम्मच दिया, ताकि कड़वा ना हो जाए एकारी, क्योंकि सरसों थोड़ा तील इसमें कड़वापन रहता है। देखिए कितना अच्छा से ग्रेवी बन गया।
खुशबू आने लगा, आप चाहे तो इसी जगह में दो हरा मिर्च काट के भी दे सकते हैं और एक छोटा चम्मच सरसों का तेल ऊपर से फैला के बंद करके स्टैंडिंग टाइम 2 से 3 मिनट रखेंगे ताकि सरसों का तेल का फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी और मछली में जा पाए। 3 मिनट बाद देखिए कितना आसान एवं स्वादिष्ट बन गया ये पबदा मछलियों को करी। आप सब बना के खाइए और मेरे को जरूर बताइए कैसा बना ये रेसिपी। मैं आप लोगों को आभारी हूँ, आप सब ने बहुत ही प्यार से मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब किए हो और ये वीडियो अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद।